नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों को टिफिन के लिए बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट नाश्ता बना के बताऊंगी। तो इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी देख लेते हैं। एक प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया, एक टमाटर जिसको मैंने बारीक कट कर लिया, एक चौथाई चम्मच जीरा, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आपको डालना है स्वाद अनुसार, एक लहसुन का पेस्ट बना लिया, एक छोटा चम्मच ऑयल और आवश्यकता अनुसार आटा लेंगे और इसको लगा लेंगे। देखिए मैंने आटे बहुत ही सॉफ्ट लगाया है इस तरह से। सबसे पहले हम पराठे के लिए मसाला वो तैयार कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई रख दी है, अब इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे। हमारा जीरा ब्राउन कलर हो गया है, अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे। के लिए प्याज को फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज है वो फ्राई हो गई है, अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे दो से इस तरह से गैस कम करके इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हल्का सा पानी डाल देंगे और इसे 2 मिनट और पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला वो तैयार है, अब इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, ठंडा कर देंगे और इसको देखिए मैंने ये रोटी बेल ली है और इसके अंदर मसाला डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने परांठा बेल लिया है, अब इसको सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तवा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर डाल देंगे। देखिए अब इसको पलट देंगे। देखिए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। देखिए मैंने तो यहाँ पे ऑयल यूज किया है, आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से पलट देंगे इसको और इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे थोड़ा थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा परांठा पककर तैयार हो गया, अब इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। देखिए हमारे परांठे की रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।